कैमरा ड्राइव पे है लेकिन ये मुझे आगे का दिखा रहा है कि गाड़ियां मेरे आसपास से कैसे गुजर रही है। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो इसका स्टीयरिंग है, तो फ्रेंड्स आज मुझे गाड़ी मिली है, हैरियर तो मैंने बहुत चलाई है, सफारी बड़ी चलाई है, पर आप कहोगे कौशिक लेटेस्ट मॉडल आया है, फेसलिफ्ट आया है, हैरियर का सफारी का आपने चलाया नहीं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो लेटेस्ट गाड़ी आई है हमारी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वाली। वैसे तो ये ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल है, मैनुअल का भी वेट मैं कर रहा हूँ, तो आज मैं टेस्ट ड्राइव लेने आया हूँ। टाटा मोटर्स आर्या मोटर, आप भी देख लीजिए, अगर आप भी टाटा की कोई गाड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं तो नंबर मेंशन कर दूँगा मैं, ये सेक्टर 14 में है। आइए गाड़ी देखिए, तो चलते हैं आज ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। गाड़ी तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, कितना सीसी इंजन है, 1956 सीसी का है, इसके अंदर 170 आपकी BHP देता है, 350 NM टॉर्क है, ये वही इंजन है जो जीप कंपास में भी आता है, सफारी में भी आता है, सबको पता है। तो अभी चलते हैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए और आपको फीडबैक दूँ जो इसका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है उसका क्या रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। गाड़ी मिल गई है, गाड़ी मैंने खोल ली है, ये गाड़ी की चाबी है, अब देखो गाड़ी में बैठ गए हैं और ये गाड़ी में बैठ गए हूँ, गाड़ी काफ़ी नीचे की हुई है जिस भाई ने किया, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ इसके अंदर पता नहीं मेमोरी थी, सीट अपने आप ही ऊपर एडजस्ट होनी शुरू हो गई, सीट देखिए पूरी प्रॉपर आ गई है। तो गाड़ी की चाबी ऐसी है, गाड़ी की चाबी वही है जो पहले भी आती थी, ये अभी भी चाबी ऐसी की ऐसी आती है। अब मैं इस गाड़ी को, वैसे तो ये कीलेस एंट्री है, टॉप एंड मॉडल है और ये गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, इन्होंने नॉब तो नया दे दिया है, तो मैं दबाता हूँ पहले, तो मैं इस गाड़ी थोड़ी गाड़ी को मैं काम करता हूँ आगे कर, ये देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और इस गाड़ी का यहाँ देखिए, जो मैं आपको बार बार बोलता था, अब आगे करने के बाद ये इन्होंने कर्व कर दिया है, और मैं सफारी में भी चेक करूँगा कि ये हैरियर में है कि सफारी में वैसा का है, लेकिन हैरियर के अंदर इन्होंने इसको कर्व कर दिया है, तो यानी कि मेरा जो घुटना है अब इसमें टच नहीं होगा। अब ये देख लीजिए, चाबी मैंने रख दी भाई जी, यहाँ रख दी मैंने, और मैंने दबाया इसका ब्रेक। मैं स्टीयरिंग बताने वाला हूँ, हमारी सफारी हैरियर में दो ही दिक्कत आती थी, जो आती थी मैनुअल में ये लगता था स्टीयरिंग बहुत हार्ड था, क्लच बहुत डीप था, ट्रैफिक जैम में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये मैंने दबाया भैया पुश बटन स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, स्टीयरिंग का रिस्पांस क्या है, लेकिन इंटीरियर तो आपने देखा ही है गाड़ी का, देखिए ये कैमरा है, मैंने भी गाड़ी को रिवर्स पे किया हुआ, देखिए आप यहाँ रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, पी मतलब पार्किंग है, गाड़ी अभी ऑन है, ये मैंने कैमरा ड्राइव पे है लेकिन ये मुझे आगे का दिखा रहा है, जो आगे मेरी गाड़ियाँ जा रही हैं सारे के सारी पूरी क्लियरिटी है। और ये देखिए यहाँ पर भी मुझे शो कर रहा है कि गाड़ियाँ मेरे आसपास से कैसे गुजर रही है, ये तो अभी 2D था, ये 7D आ गया है, पूरी की पूरी क्लैरिटी मुझे हो गई है, कैमरे की परफॉर्मेंस है, सामने आपके यहाँ भी शो कर रहा है, ड्राइव मोड पे है, ड्राइव असिस्ट ऑन है इसकी। तो ये स्टीयरिंग की बात मैं कर रहा था, ये देखो फ्रेंड्स, ये जो इसका स्टीयरिंग है, जो पहले बहुत हार्ड हुआ करता था अब ये बहुत ही लाइट हो गया है, और अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपको ये क्लच वगैरह की दिक्कत होती नहीं है, स्टीयरिंग भी लाइट आ गया है, IR में आपका इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, सनरूफ इसके अंदर है भैया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सनरूफ भी स्टार्ट हो गई है, ओह तो पूरा ही खुल गया भाई। तो फ्रेंड अभी हमने गाड़ी को कर दिया डी ड्राइव में और हम गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं, बोनट मुझे पूरा दिख रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा ऊँचा और हो जाए, ये देखिए अभी मेरा ये और भी ऊँचा हो गया, इससे मुझे क्या है कि विजिबिलिटी बहुत ही गजब है, कैमरा में दिखा अब मुझे पूरा का पूरा दिख रहा है यहाँ से व्यू। तो अब मैं हल्के से ब्रेक को छोड़ता हूँ और देखता हूँ क्या मुझे गाड़ी रिस्पांस देती है, चलती कैसी है, ये देखिए सामने कैमरा देखिए आप, आपकी गाड़ी चल रही है, आपको साथ साथ ये शो करती जा रही है, कितना गजब लग रहा है इसके देख के। मैं इसको आगे कर देता हूँ, अब ये मुझे फ्रंट पे शो कर रही है, बहुत ही अच्छा बनाया कैमरा इन्होंने। और एक बात और थी, पहली गाड़ी जब मैं चलाता था इसके अंदर पता नहीं ये गाड़ी को खींचना पड़ता था, बट फिलहाल जब मैं ये गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ मैं यहाँ से यूटर्न मार लेता हूँ, जैसे मैंने यूटर्न मारा देखिए आप, इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया मेरे को कि आपके साइड में कितनी जगह है, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो चलाने का वैसे अपना कंफर्ट है, गाड़ी की पोजीशन मेरी स्ट्रांग है। और अब जो सबसे बड़ा इशू आता था सफारी और हैरियर में यार, ये जो स्टीयरिंग था ना ये बहुत दिक्कत देता था, सस्पेंशन इस गाड़ी का आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गाड़ी जल्दी गड्ढों में आवाज़ देती नहीं है, वरना आज की गाड़ियों में क्या है भैया 6 महीने बाद ही गाड़ी इतनी ज़्यादा केबिन नॉइस आ जाती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। इस गाड़ी की माइलेज भी काफ़ी अच्छी है, जो ड्राइविंग पोजीशन है वो काफ़ी कमांडेबल है, ये हेडरूम भी प्रॉपर मिल जाता है और लेग स्पेस भी मैं एडजस्ट हो रखा पूरा है, और ये केबिन देखिए आप,
अगर इस केबिन को देख के आपको मज़ा नहीं आया ना भाई साहब, मैं जैसे कहता हूँ मज़ा नहीं आया तो पैसा वापस है। ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर टाटा का लोगो बोलता था चेंज करने के लिए, उन्होंने वैसे दे दिया। रात को ये चमकता है, ये सारे कंट्रोल दे रखे हैं, क्रूज भी इस गाड़ी के अंदर है। सामने पूरा पूरा जो इन्फोटेन सिस्टम है ये भी 12 इंच का है इसमें, और वो सामने क्लस्टर पूरा डिजिटल आता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी सारा वो दिखा रहा है मुझे। साउंड क्वालिटी भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, JBL के स्पीकर्स हैं, 7 एयर बैग है शायद इस गाड़ी के अंदर, इसके अंदर 6 शायद सफारी में 7 है। सफारी का भी मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ, फिलहाल ये सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी है, मैनुअल नहीं है। मैनुअल में और आगे चेक करूँगा इस वाले को, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में ये दिक्कत नहीं आती है। स्टेयरिंग सही में काफ़ी लाइट है, ऐसा लग रहा है किसी प्रीमियम गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। हैरियर मैंने चलाई तो है, लेकिन मैंने ऑटोमेटिक हैरियर कम चलाई है, और ये लेटेस्ट जो आया है ये तो मैंने पहली बार ही चला रहा हूँ आपके लिए। प्राइस लेकिन ये है कि हैरियर का और सफारी का काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जो गाड़ी आपको पसंद आएगी वो 25 से 30 लाख रुपए से कम पसंद नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम इस गाड़ी में दिखती है, जो पीछे का शीशा है ना वो थोड़ा सा छोटा है, तो उतना ही दिखता है। वैसे तो कैमरा लगा रखा है इसमें, इसमें एक बटन होता है जिससे कि आप पीछे का देख सकते हो, लेकिन बहुत ही कम दिखता है। वैसे इस गाड़ी की आपको हाईवे पे 18 की माइलेज मिल जाती है, पहली बार देखा। जो गाड़ी कंपनी क्लेम करती है ना वो एक्चुअल माइलेज मिल जाती है। सिटी में भी मुझे ये 13-14 की माइलेज ऑटोमेटिक में दे देती है, क्योंकि इसका इंजन जो है 1956 CC का है। और कोई अगर मैं इसे गलती हो बता देना भैया। इंटीरियर पे सही में काम काफ़ी किया है, लेकिन प्राइस 25 से 30 लाख रुपए टॉप एंड मॉडल तो 30-30 लाख पड़ जाता है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मेरे को। उस समय मैं गलत हूँ, आपको कम लग रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि टाटा को 25 लाख तक में गाड़ी ख़त्म कर देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ताकि टाटा की गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। और जो इन्होंने उसमें फेसलिफ्ट किया ना, रियली में निक्सॉन के बाद मुझे थोड़ा सा फेसलिफ्ट पे भरोसा होना शुरू गया कि हाँ कोई ऐसी कंपनी है जो लाइटें को दाएं बाएं करने के बावजूद नहीं करती है और सही में फेसलिफ्ट करके देती है। स्टीयरिंग देखिए, रिस्पॉन्स ऐसा गजब रिस्पॉन्स है, लेकिन गाड़ी को ऐसा लग रहा है मुझे आर्मरेस्ट भी उन्होंने दे रखा है। ये मैंने इंडिकेटर दिया, देखिए जैसे मैंने इंडिकेटर दिया क्लियरिटी देखिए, मैं यहाँ पर भी देख कर गाड़ी मोड़ सकता हूँ, बहुत गजब क्लियरिटी है भाई। हो सकता है कि हमने इतनी क्लियरिटी वाले गाड़ियाँ ना चलाई हूँ। अब ये मुझे बैक साइड का शो कर रहा है कि मेरे बैक साइड पे क्या चल रहा है, मैं इससे भी देख सकता हूँ। जैसे पहले मैंने गाड़ी चलाई थी सफारी और हैरियर, तो क्या होता था जब मैं गाड़ी को चलाता था तो मुझे थोड़ा सा एक्सीलेट करता था तो लगता था गाड़ी खींच रही है, मतलब मुझे खींचनी पड़ती थी गाड़ी। अब इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है, अब ऐसा फील मुझे नहीं हो रहा है भाई। हॉर्न यहाँ पे देख लीजिए, मैंने हॉर्न भी अब देखा है, ठीक है आवाज़ थोड़ी पी 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 कम है, पर लेकिन दबाना ये पड़ता है, मुझे मालूम नहीं था, तो भाई से मैंने पूछ लिया। तो गाड़ी तो कुल मिला के प्राइस को मैं साइड कर दूं तो फुल फीचर्ड गाड़ी है ये, ऐसा कोई फीचर नहीं है इस गाड़ी में नहीं है। और जो मेरा डाउट था कि भाई मेरा ये, लेकिन इन्होंने गैप मेंटेन कर दिया। मैंने सीट को काफ़ी ऊंचा किया हुआ है, और जो ब्रेक है ब्रेक भी ठीक है। इस गाड़ी में चारों के चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। इसमें गाड़ी जैसे मैं रुका हूँ रेडलाइट पे, ये अपने आप बंद नहीं होती है, ये एक अच्छा फीचर है। क्योंकि आजकल गाड़ियों में हाइब्रिड के नाम पे क्या, तो जैसे रुकता हूँ रेडलाइट पे भाई गाड़ी बंद हो जाती है, फिर एसी बंद हो गया, और फिर क्या ट्रैफिक जैम में क्या होता है जैसे ब्रेक मारता हूँ गाड़ी बंद, तो उसको मुझे ध्यान रखना पड़ता है। इस गाड़ी में ऐसा नहीं हुआ है, क्या देखो जैसे कोई बटन्स नहीं है, सारा डिजिटली दे दिया इन्होंने इसको। ये लॉक अनलॉक कर सकते हो, देखो लॉक अनलॉक हो गया, यहाँ से बूट खोल सकते हो आप। ये आपका अगर गाड़ी पंचर वंचर हो गया तो आप इसको बटन दबा सकते हो। हैजर्ड लाइट है, ये रियर फोग लैंप है, ये मैक्सिमम कर सकते हो, ये सर्कुलेशन कर सकते हैं। सिंक एसी, ऑटो ऑटो एसी है इसके अंदर, यहाँ पे आप टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हो। कैमरा है, मस्त है यार मस्त। ये देखिए कितना बढ़िया दिया हुआ है, वेट मोड इज एक्टिवेटेड, वेट मोड की जरूरत नहीं है, रफ रोड मोड चलो स्टार्ट हो गया, रफ की भी जरूरत नहीं है, सिटी ड्राइव मोड ओके। वैसे इसमें इको मोड भी है, और इको मोड पे काफ़ी अच्छी माइलेज आती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको ड्राइविंग करके दिखा दी है, ड्राइविंग में कोई भी नहीं है, इजी टू ड्राइव गाड़ी है। हैरियर की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी गाड़ी लग रही है, प्रीमियम गाड़ी लग रही है। नहीं आए तो आप भी आइए, नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, RM मोटर्स पे आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए और मज़ा आएगा आपको गाड़ी चला के, चाहे सफारी हो चाहे हैरियर हो। मेरी पहली पसंद
सफारी है क्योंकि 7 सीटर भी है और जब मन करता है उसको मैं 5 सीटर बना सकता हूँ। और जो पीछे से उसका जो होता है ना, जो इंक्लाइन नहीं होता, वो स्टे चला जाता है, तो पीछे की जो दो लोग बैठते हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और सफारी ऐसी गाड़ी है जिसमें दो जो जगह मिलती है ना पीछे की, दो लोग जो बैठते हैं थर्ड रो में, सब ज़्यादा मैक्सिमम आपको स्पेस वो गाड़ी ऑफर करती है। तो मैं ये आ गया हूँ टाटा के उस पर, अब मैं ये गाड़ी लगा देता हूँ भाई। अब जैसे मैं आया हूँ डी पे था तो मैं इसको न्यूट्रल कर दिया और ये मैं करता हूँ उसको पार्किंग। अब ये देखिए न्यूट्रल भी हो गया, पार्किंग हुआ, तो अब मैंने गाड़ी को छोड़ दिया आराम से। छोड़ दो भैया, इंश्योर्ड है ना गाड़ी आपकी? ये यहाँ पे ऑटो होल्ड भी है और ये पार्किंग भी है। अब मैं इस गाड़ी को पुश करता हूँ, देखिए पुश करते ही गाड़ी अपनी बंद होगी, ऐसे बंद होती है, लाइट जल गई, ये भी LED है। तो कुल मिला के गाड़ी का सर इंटीरियर दिखाना, मुझे तो बड़े लग रहा है। तो 5 सीटर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी को ढूंढ रहा हो तो आई थिंक ये लग्जरी गाड़ी को पूरा 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 फुलफिल करती है कंडीशन की। आई थिंक इससे ज़्यादा कोई क्या देगा। अच्छी लगी मेरी गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर अड़ास भी आता है शायद टॉप एंड मॉडल में, सफारी में तो है। अगर आपको ज़रूरत है तो ही खरीदें, क्योंकि अड़ास से क्या होता है इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, ब्रेक पैड जल्दी खा जाती है। तो फ्रेंड ये मेरा एक छोटा सा इनपुट था। ये दिल्ली सामने टाटा आ रहा है मोटर्स, यही है, काफ़ी बड़ा शोरूम खोल के बैठ गए हैं। आप आओगे तो ही मज़ा आएगा। और आप बताना कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस डाला इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी ईजी टू ड्राइव लगी, मैंने शेयर कर लिया। इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग सही में है, काफ़ी लाइट स्टेयरिंग है। तो जो टाटा सफारी में हरिओम प्रॉब्लम थी, स्टेयरिंग बड़ा हार्ड है, हाइड्रोलिक है, वो ख़त्म। बिंदास थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद जय भारत। सफारी का भी व्लॉग जल्दी आएगा। पूरी वीडियो में जो मेरे कैमरा मैन थे वो थे मिस्टर विकास वालिया। विकास वालिया जी हैं, ये RR मोटर्स पे काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आप मेरा कैमरा मैन ही बनते तो लोगों की इतनी अच्छी वीडियो मिलती नहीं।